बोल पाते ना खाना खा पाते, एक साल हो गया उनको खाना खाना, अब जूस भी नहीं पी पाते। पति देव गए तुम्हारे यहाँ, यहाँ पे कैंसर बन रहा था, देखो केवल मुंह में नहीं। खुश है बेटा, प्रतापगढ़ से आए हैं, हमारे पति को कैंसर है, लेने हम पति पत्नी का बस। बाबा जी ना बोल पाते ना खाना खा पाते, एक साल हो गया उनको खाना खाना, अब जूस भी नहीं पी पाते, कुछ भी नहीं। आंखें बंद करके देखो उन्हें, ठीक है। ये तुम्हारे पहले कष्ट देखो, ये सारे नष्ट हो, तुम्हारे स्वयं के कष्ट जो शेष नहीं। पागल बनाने वाली स्मृति क्या थी? गले में इन्फेक्शन हो रहा था, घाव बन रहे थे, कमर में दर्द और जकड़न होती थी, ओसीडी की स्मृति क्या थी? उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृति क्या थी? गर्भाशय में गांठें बन रही थी, सूजन था, गुदा द्वार का सूजन था, सड़न हो रही थी, पेट में दर्द और जलन की स्मृति क्या थी? सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, घुटनों में दर्द की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, उल्टी जैसा महसूस करना, चक्कर आना, आंखों में धीरे धीरे धुंधलापन आ रहा था, यूरिन में इन्फेक्शन था, गंदे सपने आते थे, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, कोलोन में, ब्रेस्ट में, लीवर में और कॉमन बाइल डक्ट में। तुम्हारी सब गंदगी नष्ट हुई, पति देव गए तुम्हारे यहाँ, यहाँ पे कैंसर बन रहा था, देखो केवल मुंह में नहीं। वो तो जो आप चल रहा है इलाज करते रहो बेटा, लीवर में, गले में, मुंह में, भोजन नली में, हड्डियों में और रक्त में, इतनी जगह कैंसर हो रहा, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक फैल रहा है, और नीचे गुदा द्वार में भी कष्ट उनको काफी हो गए, पास करने में बहुत कष्ट होते थे, बगंदर हो रहा था उनको, फिशुला, सब कुछ किया दरबार ने, अभी बहुत कुछ किया है, कल आप करो जो असाध रोगी सदस्यों के लिए दरबार निशुल्क करता है वो कल महाहवन करिए, अपने को रख के पति देव को रख के, ठीक है, कल करिए महाहवन, निशुल्क होता है, कल करिए, बिल्कुल चल रहे।